हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज अभी हम हमारा नाश्ता हो चुका है और अभी हम धूप सेक रहे हैं। मस्त सी धूप आई है, मतलब कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, क्योंकि पूरे चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। और आपने मेरा कल का ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर अच्छा लगा होगा तो मैं और ऐसी वीडियो शॉपिंग वाली लेके आऊँगी। तो मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है बैक कैमरे से। पहले मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, थोड़ी नहीं आ रही है। कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा कि आज हमारे कपड़े सूखेंगे भी कि नहीं। पूरे हमने दोनों बालकनी में कपड़े बिछा रखे हैं। मैं अभी हमने मशीन चलाई हुई है, तो देखते हैं कि क्या वो होता है धूप का। अच्छा हुआ कि हमने सुबह मैंने जल्दी नहा लिया था, ताकि मेरे बाल ना सूखे, नहीं तो ठंड के मारे ऐसे आजकल तो तबीयत ख़राब की भी कभी सर्दी जुकाम ऐसे हो जा रहा है। तो इसलिए मैं कहा चलो ठीक है। और भविष्य और सानवी अभी गेम खेल रहे हैं, तो उतने में मैं इनका नाश्ता भी रेडी कर दूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूँग दाल के चीले, क्योंकि मैंने दाल ज़्यादा भिगोई थी, तो मैं उसका क्या करूँगी, आधे मूंग दाल के चीले बना दूँगी और आधे हम आज दिन में उनके पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले किचन में, फटाफट से इनका नाश्ता रेडी करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है आज पूरे दिन में। यहाँ पे मैंने भिगोई थी दाल, मैंने सुबह ही भिगोई क्योंकि मूँग दाल इतनी जल्दी गल जाती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है गर्म पानी में मैंने सुबह ही किया था। फटाफट से इसे मिक्सी में चला लेते हैं और जो भी हमें मिर्च लहसुन वगैरह डालते हैं, क्योंकि उसी का फ्लेवर उसमें ज़्यादा आता है। तो मैंने सोचा ठीक है मिर्च डालेंगे कम, लेकिन क्योंकि बच्चों ने भी खानी है तो मैं फटाफट से उसकी रेडी कर तैयारी करती। पहले चाय बनानी है और मुझे चिले बनाने, तो भी मिलती हूँ। मैंने बटर मिक्सी में पीस लिया था और आधा बचा लिया है क्योंकि हमारे पकौड़ों के लिए। और यहाँ पे मैंने बना दिया है चिला और ये बन चुकी है मेरी चाय। तो अब मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड को देने के लिए फटाफट से। नाश्ता बनाने के चक्कर में इनने मचाया यहाँ पर इतना गंद, क्या आधा तो इसमें भर दिया है खैर बंसू ने, और आधा यहाँ शानवी ने इतना गंद मचा दिया मेरे 10 मिनट किचन में रहने के बाद। का नाश्ता वगैरह हो चुका है, अब सानवी भी नहा धो के सो चुकी है और तो मैं थोड़ा अभी फ्री हूँ। मैं कहा चलो थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि हमारे दिन में आज लंच में क्या बनना है, क्योंकि दाल तो ऐसे मैंने भिगोई थी, वो तो चाय के साथ ही हमारे काम आएंगे पकौड़े, तो इसलिए मैं उसे अभी छोड़ देते हैं। तो दिन में अभी मैंने भविष्य से पूछा, वो भी आया हुआ है और मेरी मदर इन लॉ भी खा लेती है बड़ी भुजेले की बढ़िया होती है ना उसकी सब्जी, और भविष्य और मैं तो हैं ही खैर खाने वाले, तो मैं सोची कि वही बनाएंगे हम आज लंच में चावल और भुजेले की बढ़ियों की सब्जी। और यहाँ का मौसम अभी भी खुला नहीं है, बाहर पीछे देखो मेरे बादल कितने छाए हुए हैं, हवा भी चल रही है, मतलब थोड़ी हल्की फुल्की धूप है और हवा भी चल रही है, तो थोड़ी देर ऐसी धूप में रह लेते हैं और क्या होगा जिंदगी में। देखो अभी भी कैसा मौसम हो रहा है, उधर सारे चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, ठीक है इधर थोड़ा हल्के फुल्के हैं और इधर देखो पूरा अंधेरा सा हुआ हुआ है, बहुत ठंड। यहाँ तो कभी कभी धूप निकल भी जा रही है, लेकिन और जगह तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जब गई थी सहारनपुर तो गए थे कि वहाँ जब वो एक हफ्ता रुक के आए थे कि एक हफ्ता हम रजाई से बाहर नहीं निकले थे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड हो रही थी वगैरह कि मैं पूरे टाइम में बस रजाई में रही, हमने खाया पिया वहीं से ऐसी बस ऐसे लेटे लेटे पसरे पिसरे हम ऐसे ही रहे। तो वो एक हफ्ते बाद यहाँ आके उन्हें 2 दिन पूरे धूप में रहे वो, कि चलो 2 दिन में कम से कम धूप सेक लूँ। और आज का मौसम थोड़ा यहाँ का गड़बड़ा रहा है, वैसे तो सही रह रहा है यहाँ का मौसम, अगर बारिश आ जाए ना तो और ये ठंड कम हो जाएगी और बर्फ भी पड़ सकती है। फिर ऐसे मसूरी जाने का हमारा होता नहीं है, बहुत मुश्किल रेयर टाइम होता है कि हम जाएं मसूरी, क्योंकि उस टाइम सारे होटल वगैरह बुक रहते हैं और रश उस टाइम इतना रहता है कि कोई भी मतलब जाने का सोच ही नहीं सकता। अगर किसी ने पहले बुक कर दिया वो पहले चला गया वो तो सही है, लेकिन एट अ टाइम जब बर्फ़ पड़ती है उस टाइम तो कोई भी नहीं जा सकता खैर, तो इसलिए हम भी इतना रिस्क नहीं उठाते इतनी जल्दी, क्योंकि अभी सानवी छोटी है तो उसके साथ तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं उठाते कभी। मैंने चावल भिगो दिए और एक बार मैं घर गई थी तो मम्मी ने दी मुझे बढ़िया, तो इसलिए मैंने इस डब्बे में रख दी थी। मैं कहा चलो बनाएंगे, जब मैंने 2 बार बना दी सब्जी इसकी, अभी मेरा 3री टाइम है। एक ही सब्जी के लिए ये हो गया और एक बारी की सब्जी के लिए बाद में ये रख लेंगे, और इन्हें हम भिगो देंगे ताकि ये थोड़े नरम हो जाए और खाने में इसका टेस्ट अच्छा है। यहाँ पे मेरा सारा सामान रेडी है, बढ़िया मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया ताकि इतनी जल्दी वो ना होए घुले नहीं, और टमाटर प्याज और ये सारा मसाला और थोड़ा सा इसमें बेसन। तो गाइस यहाँ पे मेरी सब्जी रेडी है और बस इसमें अभी एक उबाल आ जाएगा और ये बन जाएगी, और वहाँ मैंने रख दिया चावल जो बन रहे हैं अभी। सानवी सो चुके हैं इसलिए बंसू यहाँ पे अभी बोर हो रहा था, तो मैंने बोला इसे टीवी देख लो है ना, तो क्योंकि बाहर बहुत ठंड है इसलिए इसने रजाई ओढ़ रखा है और ये देख रहा है अभी तारक मेहता।
हमारी दोनों बालकी ने कपड़ों से खचाखच भरी है, इसलिए मैंने स्टैंड में अपने सारे कपड़े डाल दिए। मैं कहा ठीक है अभी यहाँ पे सूख लेंगे, कल धूप होगी तो कल डाल। और अब मेरा लंच बन चुका है, अब मैं कर रही हूँ मम्मी का इंतज़ार, क्योंकि मम्मी गई थी मार्केट। मम्मी हमारे लिए लेके आई थी थर्मल, तो वो मुझे टाइट हो गया था, तो मैंने मम्मी को बोला कि अभी आप अपने लिए ले लो और बाद में कभी मैं मार्केट गई तो मैं ले लूँगी अपने लिए। और फिर हम मम्मी का इंतज़ार करते हैं, अभी बज चुके हैं 2:30 दिन के, तो मम्मी का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि मम्मी कब तक आती है। और तब तक ले मैं भी तारक मेहता देखती हूँ बंसु के साथ बैठ के। हमारा लंच हो चुका है और मम्मी ये लोग अभी आए, क्योंकि वो बाहर से खाना खा के आ गए थे, तो मौसम भी अभी तक सड़ा ही पड़ा है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। तो मम्मी ने बोला कि मुझे चाय पीनी है, तो हम चाय बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ अपने लिए गुड़ वाली चाय, जो पहाड़ों में अक्सर पी जाती है आजकल सर्दियों के टाइम पर, है ना, कटक वाली, तो मैं वो बना रही हूँ। चलो पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद बैठते हैं आराम से। मेरी चाय उबल रही है, इसमें भी कटक वाली चाय पीते इधर, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे शाम की, शाम को देखेंगे, फिलहाल तो आराम कर लेते हैं, चाय पीते। अंशु जा रहा है घर, उसके लिए कलम लेके आए थे, ये ले तेले। बटर जो हमारा बच गया था उसकी मैंने बना दी, रखो सो गाइज, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मेरा आपको ब्लॉग कैसा लगा। आज तो हमारा खाता पीता वाला ब्लॉग था कि आज हम पूरे दिन भर ऐसे रहे, क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दियों में मतलब कि खाने पीने का ज़्यादा मन करता है, कभी पकोड़े, कभी चाय, कभी कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आगे मुझे बताएं अगर किसी पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस पर बना सकती हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।